बात बिहार की करते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस, गृह मंत्री अमित शाह से क्या मिले? पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई। पूछा जा रहा है कि क्या सरकार और गठबंधन की लाइन से अलग बयान देने वाले चिराग पर अब नकेल कसने की तैयारी है। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी अब चाचा पारस को ज्यादा भाव देकर चिराग को यह समझाना चाहती है कि उसके पास प्लान बी भी तैयार है। इस बीच चिराग का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि चाचा की गृह मंत्री से मुलाकात मेरी चिंता का विषय नहीं है। ये राजनीति में जैसे अभी रात है ना, तो कल दिन होगा। निश्चित रूप से राजनीति में लोगों को आशावादी होना चाहिए। सियासत का मौसम भी पूर्वानुमान के गणित पर चलता है। तभी तो चिराग पासवान के अलग तेवर दिखाते ही बीजेपी ने उनके चाचा पशुपति कुमार पारस से अपनापन बढ़ा लिया। खुद गृह मंत्री अमित शाह से पारस की मुलाकात भी हो गई। तस्वीर देखकर समझ सकते हैं कि इस मीटिंग की केमिस्ट्री क्या रही होगी। शाह के साथ 26 अगस्त को हुई इस मुलाकात के बाद पशुपति कुमार पारस के लिए अच्छे दिन की उम्मीदें अचानक बढ़ गईं। मैं एनडीए गठबंधन में हूं और निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ हम रहेंगे। हम लोग सब लोग मिल करके साथ लड़ेंगे, जो सम्मानजनक सीट होगा उस पर विचार किया जाए। चिराग रामविलास पासवान के बेटे हैं और पशुपति पारस उनके भाई। विरासत की सियासत में दोनों की एससी वोट बैंक पर अपनी अपनी दावेदारी है। दोनों की अलग अलग पार्टी है। अब बीजेपी का इशारा है कि बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव में पारस की पार्टी उनके लिए एक अहम फैक्टर रहेगी। लोकसभा के चुनाव में हमारे साथ में इंसाफ नहीं किया गया तो मैंने कहा था कि सर लोकसभा की तरह नहीं होना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि विधानसभा में निश्चित रूप से बिहार में जब भी चुनाव होगा तो आपको सम्मान दिया जाएगा। यानी अब बीजेपी की निगाहों में पशुपति कुमार पारस की अहमियत पहले जैसी नहीं रही, वो भी तब जबकि चिराग पासवान और चाचा पारस में 36 का आंकड़ा है। इससे पहले पारस एनडीए के सहयोगी के नाते फोटो सेशन तक सीमित रह गए थे। पशुपति पारस की एनडीए में क्या हैसियत रही है, इस बात को इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि 5 सांसद होने के बावजूद पशुपति पारस को लोकसभा चुनाव में एक भी टिकट नहीं दी गई थी। बीजेपी ने पारस के बदले चिराग पासवान पर भरोसा जताया। उन्हें सीट बंटवारे में बिहार में 5 लोकसभा सीटें दी। इन सभी पर चिराग की पार्टी ने 100% स्ट्राइक रेट के साथ फतह हासिल की। चिराग को मोदी सरकार 3.0 में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। पीएम मोदी के वे सबसे भरोसेमंद नेताओं में एक माने गए। लेकिन अचानक बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक कर 5 मुद्दों पर चिराग ने सरकार और एनडीए से अलग रुख दिखाया। सिविल सेवा में लेटरल एंट्री का विरोध, जातीय जनगणना का समर्थन, वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार से अलग राय, एससी एसटी आरक्षण में कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध, इस मुद्दे पर विपक्ष के भारत बंद को नैतिक समर्थन। मेरा पक्ष और सत्ता पक्ष, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी का पक्ष एक ही पक्ष है। इवेंचुअली जब ये लैटरल एंट्री का भी मामला आया तो मेरी बात हो या प्रधानमंत्री जी की बात हो या सरकार ने जो उसको रोल बैक करने का जो फैसला लिया, ये तमाम मत एक ही हैं। तो ऐसे में सरकार का विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं है। भले चिराग पासवान पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन ताजा तेवर देखने के बाद बीजेपी चिराग पासवान की ताकत को नाप तौल रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी चिराग को लेकर सावधान मुद्रा में है और अपने विकल्प तैयार रखना चाहती है, और इसी वजह से अचानक पशुपति पारस पर प्रेम बरसाया जा रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।